बैतूल जिले का क्षेत्र रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, जहां वर्षकाल में नाममात्र की बारिश होती है। क्षेत्र में कोई बड़ा बांध अथवा नदी नहीं है जिससे खेतों में सिंचाई हो सके, फलस्वरूप पूरा क्षेत्र पानी की कमी से जूझता है। वहीं मौसम की मार झेल रहे किसानों ने मुआवजे की मांग की है। इस वर्ष बादलों की आंख मिचौली के कारण नाममात्र की वर्षा दर्ज की गई है। परिणाम ये हुआ कि बैतूल के किसानों ने गेहूं की फसल बुआई का रकबा कम करके उसके स्थान पर कम पानी वाली फसल चना बो दिया है, लेकिन किसानों का चना बोने का निर्णय घातक साबित हुआ है। संपूर्ण प्रदेश के साथ ही साथ बैतूल जिले का आठनेर क्षेत्र भी शीतलहर की चपेट में रहा है, जिससे चने की फसल प्रभावित हुई है, जिससे किसानों को चने की अच्छी पैदावार होने की मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है। चना और गेहूं जो शीतलहर से जो नुकसानी हुई, उसके लिए हम लोगों ने कलेक्टर और तहसीलदार को ज्ञापन दिया, इसके लिए तुरंत तत्काल अनावरी की जांच की जाए। जो गेहूं चने की फसल है, हाँ, जो शीतलहर उठी थी उससे मतलब फसल में जो प्रभाव बैठा है, जिससे पूरी फसल अस्त व्यस्त हो गई, मतलब उसमें दाना नहीं है, हाँ, और बारीक पड़ गया है। इसके लिए मैं चाहता हूँ, ये ज्ञापन हमने तहसीलदार महोदय जी को सौंपा गया है कि इसकी अनावरी की जाए और जांच करके मतलब कृषक को इसका लाभ दिया जाए। शीतलहर से जो नुकसान हुआ है गेहूँ चने को, पाले से जो नुकसान हुआ है, इसके बारे में आवेदन दिया है और इसके संबंध में कलेक्टर महोदय को तत्काल हम ज्ञापन भेज रहे हैं। किसानों ने मांग की है कि क्षेत्र को सूखा ग्रस्त घोषित कर किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, बैतूल।